हमारा देश सर्वसंपन्न है, परंतु इस देश का संविधान गिद्दड़ों को सिंह बनाने की होड़ में लगी हुई है। आपसे बता देना चाहते हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए नवीन के पिता का कहना है कि हमारे बेटे नवीन की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि ये देश आरक्षण की आग में जल रहा है। इस देश की व्यवस्था पूरे तरीके से आरक्षण के नाम पर बर्बाद कर दी गई। अनपढ़ को मास्टर बना दिया जाता है और अनहर को डॉक्टर बना दिया जाता है। अब अनपढ़ है वो अंगूठा छाप ही सिखाएगा बच्चों को भी, और डॉक्टर खुद अनहर है तो पेट में कैंची छोड़ के चला आएगा ऑपरेशन करेगा। तो नवीन के पिता का ये कहना है कि हमारा बेटा एग्जाम दिया था और उसमें 97% आने के बाद भी हमारे बेटे को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि हमारा बेटा SC ST कैटेगरी से नहीं आता था, जनरल से आता। अब सीधी सी बात है, घोड़ों के रेस में गधे को बैठा दिया जाता है और गधे को बोला जाता है एक काम कर, तू आधी दूरी भी तय कर लेगा तो तुझे सीधा ही विजेता का दर्जा दे दिया जाएगा, तो इनाम तुझे ही मिलेगा, मेडल तुझे ही मिलेगा क्योंकि तू प्रजाति है गधों की, और गधों की प्रजाति होने की वजह से तू बस आधा ही दूरी तय कर ले, घोड़ों का क्या, घोड़े तो कभी भी पार कर लेंगे। तो रेस भी कराई जाती है, गधों की रेस घोड़े से करा दी जाती है, और सीधी सी बात है गधे तो बीच में ही अटक जाएंगे, और गधे जब बीच में अटक जाते हैं तो उन गधों को विजेता घोषित कर दिया जाता है और घोड़ों का मनोबल तोड़ दिया जाता है। शेर हमेशा शेर ही रहेंगे, घोड़े के साथ अगर गधे को दौड़ा दोगे और आधी दूरी तय करने पर गधे को मेडल दे दोगे, उससे गधा घोड़ा नहीं बन जाएगा, शेर हमेशा शेर ही रहता है। गिदड़ को शेर बनाने का प्रयास ना करिए इस संविधान के नाम पर, जितना हो सके प्रयास किया जाए कि जातिगत आरक्षण को खत्म करके पूर्ण तरीके से जो उस योग्य है उसको योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी मिलनी चाहिए, एडमिशन मिलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बोलते हैं कि भाई जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इक्वेलिटी का भाव होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, कहाँ से होगा? सबको एकजुट रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम सब बराबर है, कहाँ से बराबर है, घंटा बराबर है। जब उसी फार्म के कोई 50 रुपए देता है, कोई 500 रुपए देता है, तो 500 वाला घमंड तो करेगा, भाई हम बड़का है। पहले उस चीजों में आरक्षण खत्म होना चाहिए, जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक बराबरी का कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है बराबरी का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।